सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से है परेशान, तो देखिए वन मिनट का खास प्रोग्राम राजन तिवारी के साथ अफवाहों की हकीकत। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। जाने क्यों खुद गैर मुस्लिम का दर्जा चाहते हैं पाकिस्तान के 90 लाख हिंदू। पेश किया बिल, पाकिस्तान के 90 लाख हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक कहे जाने की बजाय गैर मुस्लिम कहे जाने के लिए बिल पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि पाकिस्तानी गैर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना। इस्लामाबाद के एक हिंदू सांसद ने निचले सदन में विधेयक पेश कर संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उल्लेख गैर मुस्लिम के रूप में करने का अनुरोध किया है। इसका मकसद देश में भेदभाव खत्म करके प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पाकिस्तान के संविधान में इन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं। विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद कीसोमल कियालदास ने नेशनल असेंबली प्रतिक्रिया और कामकाज संचालन नियम 2007 के 118 के तहत नेशनल असेंबली में गैर सरकारी विधेयक पेश किया है। संविधान संशोधन अधिनियम 2021 नामक इस विधेयक का मकसद पाकिस्तानी और गैर मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना है, जिन्होंने संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। भेदभाव करना संविधान 1973 की भावना के विरुद्ध है। दास ने कहा कि इस विधेयक को स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से पेश किया जाना चाहिए। सरकार ने विधेयक का विरोध नहीं किया है और मामला संबंधित समिति को भेज दिया गया है। सदन की समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद इसे मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। दास ने विधेयक में कहा है कि देश की बड़ी आबादी को अल्पसंख्यक घोषित करके उससे भेदभाव किया जा रहा है। 1973 की भावना की जो कि विरुद्ध है। इस आबादी ने जीवन के हर क्षेत्र में, देश के हर विकास में तथा उज्जवल भविष्य के लिए संपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में 4 बार अल्पसंख्यक और 15 बार गैर मुस्लिम शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि संविधान निर्माताओं के आशय को दर्शाता है। लिहाजा अल्पसंख्यक की जगह गैर मुस्लिम शब्द का उपयोग कर विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन पाकिस्तान में प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और न्याय स्थापित करने का एक रचनात्मक प्रयास होगा। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, जिसमें गैर मुस्लिम आबादी 3.5% के करीब है। हिंदू समुदाय के अनुसार इनकी आबादी 90 लाख से अधिक है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि हिंदू समुदाय के अनुसार उनकी आबादी 90 लाख से अधिक है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। सिंधी प्रांत में बसा हिंदुओं के अलावा पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में भी कई जगहों पर ईसाई की आबादी और पारसी बौद्ध भी इसमें शामिल हैं। तो इसी तरीके से तमाम और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक मिनट। धन्यवाद।